As the world knows, Pakistan has long employed cross border terrorism as a weapon against its neighbors. It has attacked our parliament, our financial capital Mumbai, marketplaces, and pilgrimage routes. The list is long. For such a country, to speak about violence anywhere is hypocrisy. भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेपर्दा किया है पाक को आतंक का मसीहा बताते हुए भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा यू में खूब खरी खोटी सुनाई दरअसल पाक पीएम शहबाज शरीफ ने बीते दिन जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया था जिसके जवाब में भारत ने कड़ी फटकार लगाई संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा भारत पर किए गए हमले का कड़ा जवाब देते हुए भारतीय प्रतिनिधि ने तीखा बयान दिया उन्होंने कहा इस महासभा ने आज सुबह एक दुर्भाग्यपूर्ण तमाशा देखा जहां एक ऐसा देश जिसे उसकी सेना चलाती है और जिसका वैश्विक स्तर पर आतंकवाद मादक पदार्थों के व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों में नाम है ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर हमला करने की हिम्मत की है मैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री द्वारा अपने भाषण में भारत पर किए गए हमले का जिक्र कर रही हूँ भारतीय प्रतिनिधि ने पाकिस्तान पर सीमा पार आतंकवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान ने अपने पड़ोसियों के खिलाफ लंबे समय से आतंकवाद को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है उन्होंने कहा पाकिस्तान ने हमारे संसद हमारी आर्थिक राजधानी मुंबई बाजारों और तीर्थ यात्राओं पर हमले किए हैं एक ऐसे देश के लिए जिसने बार बार हिंसा का सहारा लिया हो दूसरों पर हिंसा का आरोप लगाना पाखंड की चरम सीमा है भारत ने पाकिस्तान की रणनीतिक संयम की किसी भी योजना का सीधा विरोध किया भारतीय प्रतिनिधि ने स्पष्ट किया, आतंकवाद से कोई समझौता नहीं हो सकता पाकिस्तान को यह समझना चाहिए कि भारत के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद के गंभीर परिणाम होंगे भारत ने पाकिस्तान की अल्पसंख्यकों के प्रति क्रूर नीतियों और 1971 के नरसंहार की भी निंदा की भारतीय प्रतिनिधि ने कहा यह हास्यास्पद है कि एक ऐसा देश जिसने 1971 में नरसंहार किया और जो अभी भी अपने अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करता है असहिष्णुता और फोबिया की बात कर रहा है भारत ने पाकिस्तान पर ओसामा बिन लादेन को शरण देने और वैश्विक स्तर पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया भारतीय प्रतिनिधि ने कहा दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने लंबे समय तक ओसामा बिन लादेन को शरण दी और उसके आतंकवादी हमलों में बार बार पाकिस्तान की भूमिका रही है पाकिस्तान की नीतियों ने समाज के सबसे खराब तत्वों को अपनी ओर आकर्षित किया है प्रधानमंत्री के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया भारतीय प्रतिनिधि ने अंत में कहा हमारा रुख स्पष्ट है और इसे बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है पाकिस्तान सत्य को और झूठ से नहीं छिपा सकता भारत ने पाकिस्तान को सख्त संदेश देते हुए आतंकवाद के खिलाफ अपनी कड़ी नीति को दोहराया और ये भी कहा कि वो अपने संप्रभु अधिकारों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है